आम आदमी पार्टी खरगोन के नेतृत्व में एक विशाल तिरंगा यात्रा स्टेडियम ग्राउंड खरगोन से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बीटीआई परिसर में समाप्त हुई। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे एवं गीतों से खरगोन शहर को ओतप्रोत कर दिया। अपने हाथों में तिरंगा झंडा एवं आम आदमी पार्टी के इस तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में खरगोन शहर की महिलाओं एवं पुरुषों ने आम आदमी पार्टी की शपथ ली। वह क्षेत्र से पधारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, व्यापारी, मजदूर, किसान, यूथ आदि विंग के पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस अवसर पर स्थानीय बीटीआई परिसर में सामूहिक राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर खरगोन बड़वानी लोकसभा अध्यक्ष प्रहलाद सिंह तंवर, जिला अध्यक्ष जयंत गुप्ता, जिला सचिव सुरेश माहिले, अनुसूचित जाति विंग अध्यक्ष प्रदीप गांगले, अनुसूचित जनजाति विंग अध्यक्ष बलिराम सिसोदिया एवं सभी ब्लॉक इंचार्ज, सर्कल प्रभारी एवं महिला विंग के पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। आज खरगोन में तिरंगा यात्रा का आयोजन आम आदमी पार्टी की सेंट्रल टीम द्वारा रखवाया गया था। प्रत्येक जिले में पूरे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें खरगोन जिले के ब्लॉक इंचार्ज, सर्कल प्रभारी, ग्राम समितियां एवं क्षेत्र के सभी विंगों के अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी को यहां पर आमंत्रित किया गया था और सभी ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आज इस तिरंगा यात्रा से सद्भावना, देश सेवा का जज्बा और जुनून जो आम आदमी पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक मिसाल बनाई है, वो वाकई काबिले तारीफ है। हम पूरी पार्टी की ओर से सेंट्रल टीम को, केजरीवाल जी को एवं विभिन्न पदाधिकारियों को बधाई देते हैं। आप खरगोन के जनता के लिए कुछ कहना चाहते हैं? हम खरगोन के जनता को बस यही निवेदन करना चाहते थे कि इस बार परिवर्तन की लहर पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है और हम खरगोन जिले की पूरी 6 विधानसभा सीटें जीतने के लिए प्रयासरत है। आप आम आदमी पार्टी को वोट दें और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के लिए आप सहयोग करें, निश्चित ही हमें और आप दोनों को सफलता मिलेगी। आपका नाम? जयंत गुप्ता, जिला अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।